नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको इंडिया हिंदी लैब में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई का क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि एसबीआई क्रेडिट कार्ड में आज अप्लाई किया था 7 रोज पहले और आज हमको हैंड ओवर हो चुका है। तो गाइस मैं बताऊंगा किस तरह से हम अप्लाई किए थे, कैसे अप्लाई किए थे और कैसे हमको आज तक हैंड ओवर हुआ है, तो मैं सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपसे चैनल पर नए आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मिलता रहेगा आप सबको नया नया वीडियो का अपडेट। सबसे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मैं आज आपको एसबीआई के बारे में बताऊंगा कि आप सबको फाइनली मालूम पड़ चुका है कि एसबीआई का क्रेडिट कार्ड लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा इस वीडियो में बहुत सिंपल से आपको स्टेप फॉलो करना है और आप सब एसबीआई कार्ड एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हे गाइस, सबसे पहले आपको एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जो कि अदर कोई भी बैंक का हो, चाहे आपको आईसीआईसी का यूज करते हैं, एचडीएफसी का यूज करते हैं, सिटी बैंक का यूज करते हैं, कोई भी बैंक हो, बट एक क्रेडिट कार्ड आपके नाम से होना चाहिए तो जाके आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। एसबीआई का फायदा यह है, अगर आपका पहले वाले क्रेडिट कार्ड का लिमिट एग्जाम्पल फॉर 50,000 रुपया है तो इसमें आपको 1.5 लाख रुपया मिलेगा, उसका ट्रिपल मिलता है। अगर आपके पास इससे पहले 20,000 रुपया है तो आपको 60-70 हजार तक मिल जाता है। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम होता है, कोई इश्यू होता है तो कम करके देगा, बाद में जाके 2 से 3 महीना या 6 महीना बाद आपको इंक्रीज कर दिया जाता है फिर से लिमिट को। तो आप सब बने रहिए वीडियो के साथ, मैं चलता अपने कैमरा के स्क्रीन के ऊपर और आपको दिखाता हूं किस तरह से मैं अप्लाई किया था और कार्ड को मैं अनबॉक्सिंग भी करके आपको दिखा देता हूं। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो गाइस आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का जो एसबीआई की तरफ से जो कार्ड आएगा आपको इस तरह का रहेगा, जिसमें आपका नाम इधर आप लोग देख पाएंगे, इधर आपका नाम जिसकी मेरा नाम इधर डाला हुआ है धर्मेंद्र कुमार यादव, एड्रेस वगैरह सब आपको इधर शो हो जाएगा। पूरे इस तरह से पैक रहना चाहिए तो ही आप लोग कार्ड का हैंड ओवर लीजिए। अदरवाइज क्या होता है, अगर आप फटा वोटा रहते हैं तो व्हाट्सएप का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है एसबीआई का, इधर आप लोग देख पाएंगे होंगे एसबीआई इधर लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो ये एसबीआई का जो रहता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे नहीं लिया जाएगा क्योंकि आपने खुद इसका कार्ड एक्सेप्ट किया है। क्योंकि जब भी बोला जा रहा है कि ब्लू डार्ट अगर आपको हैंड ओवर कर रहा है तो उसमें आपको इतना याद रखना है कि कहीं भी ये लीक नहीं होना चाहिए या कहीं से कोई कटा वटा नहीं रहना चाहिए, तो ही आप लोग उसे एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं कीजिए। चलो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो गाइस मैं सबसे पहले इसको मैं इधर कट करके रखा हूं, चलो मैं इधर से इसको ओपन करके आपको दिखाता हूं। तो गाइस फाइनली आप देखेंगे पहले ये कवर रहेगा, उसके बाद आपका सेकंड में फिर से ये कवर आ जाएगा। तो गाइस फिर से आपका आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस पर इंटरफेस रहेगा, उसके बाद आपको जो ये देखते हैं पट्टी देखते हैं आपको इधर से ही खोलने का है। चलो मैं इसको ऊपर इस तरह आपके सामने खोल देता हूं, जो कि आपको ये पट्टी को स्थिर से कर लेना है, ऊपर कर लेना है, उसके बाद इस तरह से आपको इसको ओपन करके कटौती इधर साइड से नहीं करना है आपको, डायरेक्ट इसको इस तरह से ओपन कर लेना है। उसके बाद गाइस आपको देखेंगे कुछ की ड्यूटी इसमें से मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अभी आप देखेंगे ये पूरे खाली हो चुका है, उसके बाद आपके सामने कुछ इतना किट मिलेगा जिसमें आपको पहला जो है गाइस अभी आप देखेंगे ये मेरा जो है जो एसबीआई का मेरा कार्ड जो है इसमें आया है, जो कि लिमिट विमिट आपको इधर शो हो जाएगा, कितना आप कैश लिमिट है, एड्रेस एड्रेस इसमें सब आपका शो हो जाएगा और क्यूआर कोड जो है ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने का है, जो कि इस तरह से आप लोग इसी एप्लीकेशन से इस कार्ड को हैंड ओवर कर सकते हैं, यानी यूज कर सकते हैं कि मनी ट्रांसफर करना है क्या करना है, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं। गाइस मैं आपको एक और एक किट मिल जाएगा, आपको इससे अगर रीड करना है तो आप सब इसमें से रीड कर सकते हैं, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दिया गया है इसमें क्या सेफ्टी आपको इस्तेमाल करना है और नहीं करना है। उसके बाद आपको एक कार्ड का लिए वेबसाइट जो दिया गया www.sbicard.com, आप लोग इसमें यूजर आईडी जो बनाएंगे उसमें आया, तो एसबीआई का जो कार्ड है एप्लीकेशन उसमें जाकर आप सब लॉगिन आईडी बना सकते हैं, इसका कोई काम नहीं रहेगा। उसके बाद गाइस आप देखेंगे इधर 100 रुपया का हमको दिख रहा है, बट इसमें कुछ 100 रुपया कैशबैक दिया गया है एसबीआई कार्ड की तरफ से, तो विड्रॉ हम लोग कर सकते हैं एटीएम से जाके, तो यूज योर एसबीआई कार्ड विड्रॉ कैश फ्रॉम एनी एटीएम जेट 100 कैशबैक, यानी हम कोई एटीएम से जाकर अगर पैसा निकालते हैं तो हमको 100 रुपया कैशबैक मिलेगा। गाइस आप लोग देख सकते हैं स्पेशल कैशबैक
ऑफर जस्ट फॉर यू, यानी इस तरह से आपको 100 रुपया कैश बैक की तरफ से मैं, जो कि एटीएम से मैं विड्रॉ करूंगा, वो भी आपको मैं वो दिखा देंगे गाइज। उसके बाद आपको जो मिला है एक बुक मिला है एसबीआई की तरफ से, आप जो आप सब इसमें से रीड कर सकते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, क्योंकि इतना भी मैं रीड करने के लिए बहुत टाइम जाएगा, तो आप सब इसमें से रीड कर लीजिएगा गाइज। उसके बाद एक फॉर्म दिया गया है कार्ड के कार्ड होल्डर के नाम से, आप फुल नेम, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ऑनलाइन जो किए थे उस समय हम लोग ये फिलिप कर दिए थे, तो आप इसमें हमको भरने की कोई जरूरत नहीं है। उसका आपको फिर से एक छोटा सा किट मिल जाएगा जो कि आपके इन्फॉर्मेशन के दिया रहता है, तो गाइज आप भी इसे रीड कर लीजिएगा। तो फाइनली गाइज आप सब ये कार्ड, आप बोलेंगे इतना कुछ दिखा दे कार्ड में हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो गाइज आप सब अप्लाई करने के लिए आप सबको एक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर दिया जाएगा, मैं दो इधर अवेलेबल कर दूंगा, तो आप सब उस दोनों नंबर पे आप सब कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट करने के बाद आप हमको इंडिया, यही चैनल का नाम लीजिएगा इंडिया हिंदी लाइव से, मैं आपको मैं ये वीडियो देखा इंडिया हिंदी लाइव पे, तो मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, तो उधर से आपको कुछ हेल्प कर देंगे। और फाइनली आपको 7 से 8 वर्किंग डेज में आपका जो ये कार्ड है फिजिकली आपको हैंड ओवर कर देंगे 7 से 8 वर्किंग डेज में। तो गाइज आप सब आसानी से समझ गए होंगे इस तरह से इसका लिमिट, गाइज मैं बता दूं कब अप्लाई करने के लिए आपको एक टर्म एंड कंडीशन दिया गया है एसबीआई का, जो कि आपको सबसे पहले एक कोई भी बैंक का एक क्रेडिट कार्ड होना ही चाहिए, तो ही जाके आप सब ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। चाहे कोई भी क्रेडिट कार्ड रहेगा वो चलेगा, बट एक क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है, तो ही आप सब एक एसबीआई का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास था 3-4 क्रेडिट कार्ड है, तो मैं अप्लाई कर दिया था, तो हमारे पास ये आप लोग देखेंगे एसबीआई का मेरे क्रेडिट कार्ड हैंड ओवर हमको हो चुका है। तो गाइज आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।